फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं डीओई की ऑफिशियल वेबसाइट को इस मैप पर हम विजिट कर रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, आज 27 अक्टूबर 2022 को आप लोगों के लिए बिग अपडेट हम लेकर आए हैं। बहुत ही बड़ी खुशी की खबर आपको सुनाने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता है तो फ्रेंड्स, वो सभी कैंडिडेट जिनको कि अपनी पोस्ट कोड के रिगार्डिंग यहां पर कोर्ट के फैसले का इंतजार था, तो फ्रेंड्स सबसे पहली खबर तो उन सभी के लिए है जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे डीट प्लेसबी ने जो 14 जुलाई 2022 के बाद रेजोल्यूशन लिया था, जो इसकी नई पॉलिसी आई थी, तो उसमें ये स्क्रूटनी नहीं कर रहा था डीट प्लेसबी। तो जो यहां पर कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया गया, फाइनल रिजल्ट, उसमें डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी नहीं की गई थी, तो उसकी वजह से जो फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया गया, इसमें सबसे बड़ा नुकसान उन कैंडिडेट का हुआ जो कि अभी वेटिंग लिस्ट में आए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर स्क्रूटनी की गई होती तो जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं वो फाइनल में सिलेक्शन ले सकते थे। तो इसी के चलते काफी पोस्ट कोड के बहुत सारे कैंडिडेट ने कोर्ट में केस किया हुआ था कि जो वेटिंग पैनल लिस्ट के कैंडिडेट हैं उनके डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी नहीं की गई है, विदाउट स्क्रूटनी किया गया है, तो उनके साथ यहाँ पर ना इंसाफी की गई है। कोर्ट ने सारी बातें सुनी है, समझी है और अपना डिसीजन यहाँ दे दिया है। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए ये खुशी की खबर लेकर आए हैं, क्योंकि जो कोर्ट का डिसीजन आया है वो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट के हक में आया है। उनके लिए खुशी की खबर है, क्योंकि जो डिसीजन आया है कोर्ट का, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि वेटिंग लिस्ट के क्लियर होने के चांस बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि इसके लिए पूरी डिटेल हमें आपको शो करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल में ये पब्लिक सर्कुलर में हम चेक कर लेते हैं जो भी अपडेट डीओई के द्वारा दी गई है। देखिए, मेमोरेंडम्स जारी किए गए हैं, और ये भी खुशी की खबर है उन कैंडिडेट के लिए जिनको बेसब्री से इंतजार था अपने ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट्स का। यहाँ पर बात की जा रही है टीजीटी मैथ फीमेल और टीजीटी हिंदी फीमेल की पोस्ट कोड के रिगार्डिंग। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि हमारे जो मेमोरेंडम है वो कब तक जारी किए जाएंगे, कब तक हमें वेट करना होगा, क्योंकि डीओई ने जो यहाँ पर टेंटेटिव डेट्स दी थी, थोड़ा बहुत आगे पीछे ये चल रहा था, तो कैंडिडेट को थोड़ी फिक्र हो ही जाती है कि आखिर उनके लेटर कब इश्यू होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ खुशी की खबर है उन कैंडिडेट के लिए जिनको अपने मेमोरेंडम्स का इंतजार था। तो आप देख सकते हैं टीजीटी मैथ फीमेल के लिए यहाँ पर 190 मेमोरेंडम जारी किए गए, 37/21 पोस्ट कोड के रिगार्डिंग, 37/21 पोस्ट कोड के रिगार्डिंग 179 मेमोरेंडम ये दूसरे स्लॉट में जारी किए गए हैं, और टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए 33/21 जो पोस्ट कोड है 255 मेमोरेंडम्स जारी किए गए हैं। तो आइए एक बार डिटेल को हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर ये मेमोरेंडम जारी किए गए हैं टीजीटी हिंदी फीमेल के रिगार्डिंग, पोस्ट कोड है 33/21, और मेमोरेंडम आप देख सकते हैं 255 मेमोरेंडम ये जारी किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, बाकी के जो कैंडिडेट अभी रहते हैं, नेक्स्ट स्लॉट में आप लोगों के भी मेमो जारी कर दिए जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जल्द ही कंडक्ट कराया जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप पोस्ट कोड देख सकते हैं अपना, आपका जो ग्रेड पे स्केल है ये सब यहाँ बता दिया गया है, टर्म्स और कंडीशंस आपकी ये यहाँ हर कॉलम में बता दी गई हैं, अलग अलग करके इनको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। बाकी और कहीं भी भटकने की आपको जरूरत नहीं है कि क्या लेकर जाना है क्या लेकर नहीं जाना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो सारी चीज़ें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं, वो सब इसी मेमोरेंडम में आपको बताए गए हैं। यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन आप 14 नंबर कॉलम में देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको तकरीबन पहले हर एक वीडियो में बता चुके हैं क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी होती हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, मेन जो चीज़ें हैं वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए 19 नंबर कॉलम में आपका वेन्यू दे दिया गया है कि किस जगह पर किस दिन किस समय पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। मल्टीपर्पज हॉल, गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय, लंस रोड, तिमारपुर, बिहाइंड विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, ठीक है, ये आपका एड्रेस दिया गया है जहाँ पर आपका डीवी कंडक्ट कराया जाएगा 1 नवंबर 2022 को 10:30 AM, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम दिया गया है। और फ्रेंड्स, जो आपके यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब यहाँ बता दिए गए हैं, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। और एक जो मोस्ट
इम्पोर्टेंट चीज हम आपको बता रहे हैं, एनसीटी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द अरेंज कीजिएगा, क्योंकि अगर डेफिशिएंसी मेमो आपका आ जाता है तो 2-3 महीने आपकी सैलरी का लॉस हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं एंड दिल्ली द्वारका में एनसीटी का ऑफिस भी है, वहां से बाय हैंड भी आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो भी आपके एनसीएल हैं वो आप लेकर जाइएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी आपको लेकर जानी होती है, और आपके मेमोरेंडम की जो इशूइंग डेट है इसके 1 मंथ के अंदर तक अगर आप यहाँ अपीयर नहीं होते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, तो फिर आपकी जो यहाँ पर कैंसिलेशन की प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दी जाएगी, आपको कोई और नोटिस नहीं दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा ये 7 अंडरटेकिंग्स होती हैं जो आपको फिल करके लेकर जानी होती हैं। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट बता दी गई है edudel.nic.in, इसमें सब लिंक में रिक्रूटमेंट की जो यहाँ ऑप्शन आएगी इसमें आप सारी चीजें डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई भी रेगुलर अगर आपको अपडेट चेक करनी है तो इसी वेबसाइट पर आपको रेगुलरली विजिट करना होगा। बाकी आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि DOE की या DSSBC की हर एक लेटेस्ट अपडेट हम आपको शेयर करते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इंडिविजुअली कैंडिडेट को ये मेमोरेंडम जारी किए जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा। स्क्रॉल करके लास्ट तक आपको ये मेमोरेंडम चेक करने हैं, क्योंकि हो सकता है आपका मेमोरेंडम भी जारी किया गया हो, आपका भी नेम यहाँ पर अनाउंस किया गया हो, आपका DV का शेड्यूल दिया गया हो, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ओके, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं TGT मैन फीमेल के लिए भी यहाँ मेमोरेंडम जारी किए गए हैं, 37/21 पोस्ट कोड है, 2021 की जो रिक्रूटमेंट है उसके रिगार्डिंग ये मेमोरेंडम जारी किए गए हैं। और बाकी फ्रेंड्स, आप डिटेल्स इसी तरह से चेक कर लीजिएगा, आपका नेम, पोस्ट कोड, पोस्ट का पे स्केल, ग्रेड पे, टर्म और कंडीशन, सारी चीजें ये आपको बता दी गई है, इसी तरह से आपको इनको चेक करना है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो नेक्स्ट मेमोरेंडम जारी किए गए हैं ये रिमाइंडर फर्स्ट है, ये मेमोरेंडम भी TGT मैन फीमेल के रिगार्डिंग जारी किए गए हैं, 37/21 पोस्ट कोड है, और ये सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको छोड़नी नहीं है, एक बार नहीं समझ आए तो इसको 2 बार आप चेक कर लीजिएगा। और बाकी हमारी एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड की हुई है जिसमें हर एक कॉलम को डिस्कस करते हुए आपको बताया हुआ है क्या आपको लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, तो इसको आप डिटेल में चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा ये चैनल आप लोगों की गाइडेंस के लिए ही है, जितनी हो सकेगी आपकी मदद करने की हम कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज और अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। और आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट जारी की गई थी वो हम आपको बता चुके हैं, शेयर कर चुके हैं, जैसे ही कोई और न्यू अपडेट जारी की जाएगी सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो DOE, DSSBC एंड ऑल ओवर इंडिया से टीचिंग रिक्रूटमेंट की हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।